so excited and thank you so much, Lata, for being my Valentine and for this lovely cake. And happy Valentine's Day to you. मैं definitely ये केक आपके साथ काटना चाहूँगा अगर next time आप भी इस केक के साथ आ जाएगा. Wow, Lata, thank you so much for making my day special. It's not Valentine's Day today, but thank you so much for making this day so special. Box of gift which has come from my well wishers, and this entire thing is from Lata. Yeah. Oh my God, Lata, thank you so much, yeah. I'm sure इसके बीच में और भी लोगों ने भेजा होगा, but Lata ने शायद combine किया होगा. Let's figure out. So this again is from Lata, and I can guess this is a cushion. So basically यहाँ पर जितने भी cushion रखे हैं ये सब इन लोगों के ही हैं. And now I have another one. And it's a heart shaped cushion. Thank you. Oh wow, there's a pic of me also in it. So this is something new. And wow यार, इसमें बहुत efforts लगे हैं. I'm sure. और यहाँ पर एक नाम भी लिखा है लता का. एंड उसने लिखा है लता वी एस सी इज़ मी एंड लता, जिसने ये भेजा है. आई एम श्योर दिस इज़ अ सेगमेंट पिक, मतलब दिस इज़ नॉट दैट लता हैज़ टेकन, बट ये किसी न किसी सेगमेंट से उसने शेयर ली है. ये कोई सेगमेंट ही था. ओके, विकू, इन लोगों ने मेरा एक नया नाम रख दिया. विकू, मुझे याद है कि शायद मैंने इनको कहा था कि मुझे आप यहाँ से विकू बुलाया कर दीजिए. Wow, this is beautiful, yeah, amazing, and it's quite heavy also, Lata. Brilliant. So I'll find a place to get this fixed now in my house. Thank you, Lata. Thank you so much for this. This one again is from Lata. ये सारे gifts वैसे Lata के तरफ से ही हैं. So Lata, I'm opening your gifts one by one and let me see what this is. So that's a cup which says I love you so much and I love you equally, Lata. Thank you so much for being so generous, yaar. Thank you so much. There's another one. So I'll open this one now. एक और गणपति जी. सो मेरे घर में इस टाइम हंड्रेड्स ऑफ गणपति जी हो गए. एंड दिस इज अनदर वन. थैंक यू लता, एंड दिस इज ब्यूटीफुल यार, वेरी नाइस. और ओके, दैट्स अ कैप, दैट्स अ ग्रीन कैप. थैंक यू लता. सबको पता है कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है. सेंडिंग मी थिंग्स आर लाइक टेक केयर वाला. लगा तुम्हें मेरी दिल की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं. यू कैन हियर, ये यहाँ से आ रही है आवाज़. और मुझे भी तुम्हारी दिल की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं. और एक लेटर है. दिस इज़ माई फेवरेट थिंग, लेटर. आई जस्ट लव रीडिंग लेटर्स यार. जो भी आप लोग भेजते हैं, इट्स अ कार्ड एक्चुअली. इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग एज लॉन्ग एज आई हैव अ मैसेज इनसाइड इट फॉर मी. या It's so wonderful to get your love and just all of you, my dear. I adore you with love, Lata. I love and adore you too, Lata. And I keep reading your messages, not just yours, but everybody who send me messages on Insta. And I try to read most of them. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं read कर पाता हूँ इन लोगों के message. But more often than not, I read them. और जिस दिन नहीं रीड कर पाता हूँ सबके स्टिंकर्स आते हैं. मेरा मैसेज नहीं पढ़ा आज, मेरा मैसेज नहीं पढ़ा. तो आई एम रियली सॉरी, बट इवेंचुअली आई मेक श्योर कि मैं सारे मैसेजेस पढ़ूँ जितने भी इंस्टा पे आते हैं. आई एम ऑलवेज सरप्राइज यार, मतलब ये लोग इतना कुछ कर देते हैं ना. सो आई एम ऑलवेज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं क्या करूँ रिटर्न में. ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू. एंड आई कैन से दैट व्हेनेवर आई एम शूटिंग नेक्स्ट, तो You guys come to meet me where I'm shooting, so that would be the biggest gift for me if you guys can come and meet me where I'm shooting. So, and thank you so much, Lata.
सभी फेवरेट होते हैं यार, ऐसा मैं बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि मेरे लिए ये फेवरेट है या मेरे लिए वो फेवरेट है, बट हाँ जो मुझे जानते हैं अच्छे से दे नो इट वेरी वेल कि मुझे लेटर्स और कार्ड्स पढ़ना बहुत पसंद है. सो बिकॉज आई कैन रियली कनेक्ट टू देम जब वो कुछ लिखते हैं मेरे लिए. सो बहुत से लोग हैं, नाउ दे नो दैट मोर देन द गिफ्ट्स देन द मटेरियलिस्टिक इज द वर्ड्स दैट मैटर अ लॉट टू मी. तो बहुत लोग इंस्टा पे मैसेज कर देते हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं रहते हैं, दे सम आर इन टर्की, सम आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे सेंड मी लॉन्ग लॉन्ग मैसेजेस ऑन इंस्टा, एंड बिफोर आई स्लीप आई मेक श्योर दैट आई रीड देम एंड मेक माई नाइट पीसफुल एंड आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि ये लोग इतना कुछ मेरे बारे में सोचते हैं और लिखते हैं. सो एज फार एज आई रिमेंबर आई वॉज डूइंग अ सेगमेंट विद शिवानी सुर्वे, एंड मैंने शायद उस सेगमेंट में कहा था कि मुझे आप लोग विक को बुलाए कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद विक को बुलाना मुझे शिवानी ने स्टार्ट किया था, तो फिर इन लोगों ने भी विक को बुलाना स्टार्ट कर दिया. एंड इट्स अ वेरी नाइस क्यूट सा नेम विच आई लव इट अ लॉट. और बहुत से ग्रुप्स भी ऐसे बने हैं जहाँ पे इट्स लाइक विक्कू की कुड़ियाँ, विक्कू की गर्ल्स एंड ऑल, तो बहुत ही क्यूट सा नाम लगता है मुझे अपना खुद का. विक्कू है विक्की वैसे निक नेम. वैलेंटाइन डे हम बहुत से दोस्त लोग मिलते हैं साथ में, ठीक है, जो भी मेरे क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं हम सब लोग मिलते ही हैं, और वैसे तो हमेशा ही मिलते हैं कोई ना, तो इस बार भी यही होगा, सब लोग मिलेंगे आपस में एंड पार्टी करेंगे यार, वो तो वही करते हैं हम लोग. हाँ यार, स्टोरी ब्यूटीफुल तो नहीं है, बट वैलेंटाइन डे की मुझे स्टोरी याद है. मेरे मॉम डैड अंदर तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता मैं, तो मैं बता देता हूँ. तो मुझे याद है कि मैं मेरा शायद दिस वॉज माई फर्स्ट वैलेंटाइन डे विच आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट विद देन गर्लफ्रेंड इन माई स्कूल टाइम, और हमारी लड़ाई हो गई थी, कुछ एक हफ्ते से लड़ाई चल रही थी, तो मैंने सोचा कि वैलेंटाइन डे है तो इस डे पे एक गिफ्ट देके मैं उसको मनाऊंगा. तो मैं एक अच्छा सा गिफ्ट वगैरह पैक करके लेके गया, एंड देन आई वाज ऑन माय बाइक, मेरे पास एक होंडा एम्बिशन बाइक करके हुआ करती थी, तो मेरे बाइक के पीछे बैठी हुई थी और हम ऐसे राइड पे जा रहे थे, तो मैंने उसको अपना गिफ्ट दिया वैलेंटाइन, और वो खुश हो गई. थोड़ी देर बातें वगैरह हुई, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि फिर से लड़ाई हो गई और उसने मेरा गिफ्ट उठा के फेंक दिया. तो वो एक मेमोरी मुझे लास्ट याद है कि मेरा वैलेंटाइन डे पे मेरा गिफ्ट फेंक दिया था. मुझ पे क्रश है. मैं यही कहना चाहूँगा यार कि आप लोग मुझे जितना प्यार करते हो प्लीज़ और करते रहो, कि मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है, एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ योर लव, एंड आई थिंक आई डिज़र्व इट मोर एंड मोर बिकॉज आई एम हंग्री फॉर योर लव, एंड कीप लविंग मी, एंड आप लोग जानते हैं आई लव यू टू, आई लव ऑल ऑफ यू. इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई हैव शॉट फॉर अ वेब सीरीज जिसका नाम बारिश है, एंड मोस्ट ऑफ माय वेल विशर्स, माय फैंस, दे नो अबाउट इट, एंड रिलीज डेट तो मुझे भी नहीं पता. एंड देन देर इज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आई मीन टॉक विद, तो लेट्स सी क्या मटेरियलाइज होता है, तो पता तो चल ही जाता है. ओके, सो या डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट इज दैट यू नो वेयर द स्टोरी विल एंड, तो आपको पता है कि यहाँ स्टार्ट होगी और यहाँ फिनिश होगी, तो आपको अपना कैरेक्टर स्टार्ट से लेके एंड तक पता होता है कि कैसे आपका कैरेक्टर शेप अप करेगा. एट द सेम टाइम टीवी का प्लस पॉइंट ये है कि आप तैयार हो जाते हैं एज एन एक्टर, बिकॉज टीवी में आप रोज़ इतनी लाइंस आपको करनी होती हैं एंड मोनोलॉग्स होते हैं, सो यू इम्प्रूव अ लॉट एज एन एक्टर. सो आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन गिवन अपॉर्चुनिटी इन टीवी मीडियम, सो दैट आई वॉज रेडी विद माई लाइन्स. अभी मेरे पास कोई भी लंबी स्क्रिप्ट वगैरह आती हैं तो आई डोंट गेट नर्वस, एंड प्लस आई गेट द कॉन्फिडेंस बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ टीवी, सो आई गेट कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ कैमरा व्हेन आई एम डूइंग विद सीनियर एक्टर्स लाइक शर्मन जोशी सर एंड अदर एक्टर्स इन द वेब सीरीज. सो हाँ, मेरे लिए तो मतलब टीवी इज़ लाइक माई गॉड फादर आई वुड से. मैं यही टिप देना चाहूँगा कि मुझे DM कीजिए और कहीं और पे अपनी निगाहें मत डालिए, बिकॉज मैं रेडिली अवेलेबल हूँ 14th February को, अगर आप भी हैं तो. एंड 14th February को आई विल डेफिनेटली कम लाइव फॉर ऑल ऑफ यू, सो आई विल डू एन इंस्टा लाइव, सो दैट्स अ न्यूज़ विच आई वॉन्टेड टू ब्रेक, सो थ्रू योर प्लेटफॉर्म आई विल ब्रेक दैट.
तो 14th ऑफ फेब को टाइम आई वोंट बी एबल टू टेल यू राइट नाउ बट डेफिनेटली आई विल कम लाइव फॉर ऑल माय फैंस एंड वेल विशेस अराउंड द वर्ल्ड. हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू.